आरएम न्यूज के सभी दर्शकों को शिविंदु का जोहार। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के नामांकन सभा में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि शिबू सोरेन उठ और चल नहीं सकते, फिर भी सांसद बनना चाहते हैं। वे दुमका का क्या विकास करेंगे। हेमंत सोरेन सोने की चम्मच मुंह में लेकर जन्म लिए हैं। बाबूलाल मरांडी के पास जमीन नहीं है और खुद को बड़ा नेता कहते हैं। ये लोग कभी आदिवासी का दर्द नहीं समझ सकते। वहीं झामुमो के बागी मांडू विधायक जयप्रकाश पटेल ने सभा में भाजपा का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे सोरेन परिवार ने ठगा नहीं। टेकलाल महतो, विनोद बिहारी महतो, रिजू चौधरी का झारखंड निर्माण में बड़ा योगदान रहा है, जो कि झामुमो ने कभी नहीं माना। सोरेन परिवार ने हमेशा आदिवासियों को ठगने का काम किया है। सभा को संबोधित करते हुए नागरिक उद्यान मंत्री जयंत सिन्हा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए जनता से पूछा कि क्या आप पप्पू को पसंद करते हैं, अगर नहीं तो इस बार के चुनाव में जनता कांग्रेस का पूरा सफाया कर देगी। मौके पर बाघमारा विधायक थुल्लू महतो ने कहा कि जिस प्रकार धनबाद में माफिया राज खत्म हुआ है, उसी प्रकार चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत के बाद गिरिडीह में भी माफिया राज खत्म होगा। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में सबसे बुरा हाल डुमरी विधानसभा क्षेत्र का है। डुमरी के लोग कहते हैं कि वहां के विधायक मुर्गा लड़ाई का उद्घाटन करते हैं, विकास योजना का नहीं। श्री चौधरी ने कहा कि अगर मैं सांसद बना तो भय का वातावरण खत्म होगा। हो चुकी है कि पूरे 22,76,000 किसान को हमारी सरकार स्मार्टफोन तो पैसे भी सीधे आपको डीबीटी के माध्यम से मिल जाएगी और वो भी स्मार्टफोन खरीद सकते और अपने मोबाइल फोन से ही बाजार का भाव कहां क्या बिक रहा ताकि आपको उचित दाम मिल सके। क्योंकि गिरिडीह रामगढ़ जिले में अधिकांश हमारे खेती या सब्जी उगाते हैं, इसी तरह हर जिले में हम लोग छोटे छोटे कोल्ड रूम बना रहे हैं ताकि हमारे जो खासकर महतो और कोरी समाज जो सब्जी ज्यादा उत्पादन करते हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, जितने लागत तो वो पैसे वापस आ। इस तरह की हमारी सरकार काम कर रही है और उसी काम से घबराकर देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिसकी इतिहास लंबी है, आज स्थिति ये पहुंच गई कि सभी दलों के साथ महागठबंधन। यहां भी आपको याद दिलाना चाहता हूं 1993 नरसिंह राव की सरकार थी, को सोरेन परिवार ठगा रहे। आप देखिए तीन तीन संथाल मुख्यमंत्री थे, एक और बहुत बड़ा नेता अपने आप को समझता है बाबूलाल जी, जमीन है ही नहीं लेकिन नेता बने हुए, और दो नेता आप जानते ही हैं आदरणीय शिबू जी और उनके सुपुत्र जिसने सोना के चम्मच में पैदा लिया आदिवासी गरीब का दर्द क्या है नहीं जानता। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री हेमंत सोरेन, सबसे अगर आदिवासियों का शोषण अगर आजाद भारत में किसी दल ने किया है तो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। पूरी जिम्मेदारी से मैं आरोप लगाता हूं, एक भी कोई ऐसा काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बताएं कि हम आदिवासी मूलवासी के लिए ये काम किया। आप किसी बोकारो बगल में ही है जैना मोड़ के लुबुवरु घंटाबाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे संथाल भाइयों का धर्म संसद है ना, है कोई संथाल मुख्यमंत्री उसको राजकीय सम्मान का दर्जा दिया? एनडीए की सरकार ने दी। संथाल कराके के धूप में आर्थिक नाकेबंदी कर रही थी तो सोरेन एंड कंपनी ने 3.5 करोड़ में यहां के जनता को बेचने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को टेकलाल बाबू ने बनाया,
जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को विनोद बाबू ने बनाया, तमाम नौजवानों ने सींचा और आज कहता है कि मेरी पार्टी है, तो हमने कहा आपकी प्राइवेट एंड कंपनी को मेरा राज और देश बचाने के लिए जयप्रकाश भाई पटेल किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आप सबों से कहूंगा कि गिरिडीह जिस दिन से जयप्रकाश भाई पटेल का झारखंड मुक्ति मोर्चा में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उस दिन झारखंड के 14 लोकसभा पर एनडीए के प्रत्याशियों का जीत हो गया है। उधर जमशेदपुर में कोल्हान में बोलता है दो गो टाइगर है, कौन सा टाइगर है? टाइगर का जगह जंगल में होता है, नहीं तो किले में होता है। और जब चंद प्रकाश आ गया है तो चंद प्रकाश को और एनडीए गवर्नमेंट को बीजेपी को जय करने के लिए जयप्रकाश भी आ गया है। उसे कहूंगा कि आपको घबराने का जरूरत नहीं है। झारखंड की स्वाभिमान की रक्षा करने का बात करता है, मैं पूछना चाहता हूं आप सबको कि टेकलाल बाबू का योगदान झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं रहा है क्या? विनोद बाबू का योगदान नहीं रहा है क्या? चंद प्रकाश चौधरी जी के पिताजी का रिजुनाथ चौधरी का योगदान नहीं रहा है क्या? नहीं रहा है, तब ना सोरेन एंड कंपनी है। पूरे देश में अगर कांग्रेस के सामने किसी ने अपने को गिरवी रखा हो तो हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को गिरवी रख दिया।